यमुनानगर में एक बार फिर रिश्ते तार तार हो गए, जब भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा और मामूली से विवाद को लेकर एक भाई ने अपने सगे भाई को ही चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी वारदात छछरौली के पीपली माजरा गांव की है, जहां पर घर पर छोटी बच्ची को दवाई न दिलवाने के चलते भाई ही कातिल बन बैठा और अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसने शव को जल्दबाजी में दफना भी दिया। 24 वर्षीय नईम ट्रक ड्राइवरी का काम करता था। देर रात वो घर लौटा, उसके दूसरे भाई सुफियान की बेटी पेट दर्द की वजह से रो रही थी और उसे दवाई नहीं दिलवाई। बस इसी बात को लेकर सुफियान और नईम में बहस हो गई और सुफियान ने नईम को चाकू मार दिया। में 8 भाई हैं, जिसमें से 4 शादीशुदा हैं, 4 भी कुंवारे हैं, 9वीं उसकी सिस्टर हैं। 15 तारीख को 2 भाई आपस में लड़ पड़े, एक मोहम्मद नईम जिसकी मृत्यु हुई है, एक मोहम्मद सुफियान। ये आपस में घरेलू मामलों को लेकर तत्काल होगी। सुफियान है जो कि थोड़ा नशेड़ी है किस्म का लड़का है, उसने चाकू लेके मोहम्मद नईम है उससे छोटा भाई है उसकी पीठ में मारा। वो जो बाई पीठ में मारा उसमें दिल वाली साइड में फेफड़ों में लग गया, दिल में लग गया, उसकी मृत्यु हो चुकी। तो इन्होंने परिवार वालों ने सलाम मशवरा करके और लाश को वहीं पिपड़ी माजरा गांव में कब्रिस्तान में दफना दिया था, जो आज मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा डॉक्टरों की टीम के द्वारा जांच अधिकारी के मौके पर पहुंचने पर लाश को निकाला गया। अब लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जांच अधिकारी के द्वारा आरोपी की तलाश है। पुलिस के मुताबिक परिवार के सभी सदस्यों ने सलाह कर नईम के शव को दफना दिया था। छछरौली पुलिस ने 8 नामजद और 10-12 अन्य लोगों के खिलाफ शव को खुर्द पुर्द करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब 30वें भाई मोहम्मद कुर्बान ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्र खोदकर शव को बाहर निकलवाया। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।